बहुत अच्छे काम किया है स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह। और ये देखिए, इसमें आपने असल में ये किया है कि आपने इसको डाउनलोड करके होमवर्क को, तो फिर आपने उसको प्रिंट लिया है और फिर उस पर आपने लिख के उसको दोबारा आपने स्कैन या उसकी पिक्चर बना के अपलोड की है। तो इसका एक ज़्यादा आसान कन्वीनियंट तरीका है कि आप होमवर्क को यहाँ से डाउनलोड कर लें, जो आपको होमवर्क दिया हुआ है, ये जो होमवर्क है इसको आप डाउनलोड कर लें, फाइल को, पीडीएफ की फाइल है। जब ये डाउनलोड हो जाएगी, ती फाइल को फिल करके, तो जैसे आप अटैचमेंट करते हैं पिक्चर की या किसी चीज़ की, इसी फाइल की आप कर सकते हैं। ये देखिए, इस फाइल को आप ओपन करें, पीडीएफ की फाइल को। ये देखें, ये फाइल, ये आपकी जो है होमवर्क आ गया। इसमें ये देखें, ये बनाओ, यहाँ पे आंसर टाइप करें आप। तो जब ये आप आंसर टाइप कर लेंगे, तो उसके बाद आप यहाँ से जाके इसको पूरे, जब आंसर आप इसमें लिख लेंगे, तो आप इसको फाइल सेव एज कर दें। अब इसको सेव करते वक्त इसके नाम चेंज कर दें, या आखिर पे हम लिख देते हैं कि ये सॉल्यूशन फाइल है। अब फाइल की बजाय आपने जिस तरह वो अटैचमेंट की थी, आपने अटैचमेंट में जाना है और आपने यहाँ पे भी अटैच करना है। अब आपने वो फाइल जो है, आपको वो काम नहीं करना पड़ेगा जो आपने पिक्चर जो है पहले प्रिंट निकाला था, फिर उस पर लिखा था और स्कैन किया था, बल्कि आपने ये जो सॉल्यूशन फाइल सेव की थी, इसको आप अटैच करके तो यहाँ से पोस्ट करा देंगे। तो इस तरह आपकी जो है ये आसान तरीके से, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इट इज सॉल्यूशन फाइल फॉर होमवर्क और वाट एवर, जो भी आपने मेंशन करना है लिख के, तो आप इसको अटैच करके आप पीडीएफ को ही अटैच कर देंगे। आपको जो है वो प्रिंट निकाल के, तो उस पर लिख के, तो स्कैन करके, तो पिक्चर बना के अटैच करने की जरूरत नहीं है। उसी फाइल को आप फिल करें, उसको सेव एज करके उसका कोई नाम रखें सोल्यूशन के नाम से, तो फिर उसको आप जो है यहाँ से पोस्ट कर दें।